दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा संस्कृत, क्योंकि सभी वेद पुराण, उपनिषद या महाकाव्य संस्कृत में ही लिखे गए हैं। पर सवाल आता है, क्या सच में संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है? और हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स इस भाषा के लिए क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। 2011 के सेंसस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग पूरे देश में संस्कृत बोलने वालों की आबादी मात्र 24,821 थी, यानी पूरे भारत के पॉपुलेशन का 0.02% है। क्योंकि आज संस्कृत का इस्तेमाल सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में बोले जाने वाले मंत्रों में ही किया जाता है। आज संस्कृत का जितना भी साहित्य है, उससे हमें यह पता चलता है कि संस्कृत भाषा दो तरह की होती है। पहला एंशिएंट यानी वैदिक संस्कृत और दूसरा शास्त्रीय संस्कृत। वैदिक संस्कृत का मतलब है जिससे वेद लिखे गए थे, जैसे चार वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। और शास्त्रीय संस्कृत का इस्तेमाल उत्तर वैदिक साहित्य के लिए किया गया था, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, दर्शन, सूत्र और आयुर्वेद। दोस्तों, आज हम जिस तरह की संस्कृत को सुनते और समझते हैं, वो शास्त्रीय संस्कृत होती है, क्योंकि वैदिक संस्कृत को अभी तक सही ढंग से डिकोड नहीं किया जा पाया है। वैदिक संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत से बहुत ज्यादा टफ है, और ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले ये भाषा इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इस सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने पर इस भाषा के कुछ हिस्से गायब भी हो गए थे। इसलिए अब सवाल आता है कि ये एंशियंट संस्कृत कितनी पुरानी है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से साल 1907 में संस्कृत के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स भारत से बाहर टर्की के बोगजकोई में मिले थे, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि एंशियंट एम्पायर ऑफ हित्ती और मितानी एम्पायर के बीच उस समय एक समझौता हुआ था। 1600 से 1180 BCE के बीच ये एम्पायर आज के ईरान, इराक और टर्की में फैले हुए थे। ये रिकॉर्ड्स आज से लगभग 3400 साल पुराने आर्य सभ्यता की इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही बोगजकोई रिकॉर्ड में ऋग्वेद के देव इंद्रा, मित्र, वरुण और नासत्य को साक्षी माना गया है। पर भारत में आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक संस्कृत का इतना पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि भारत में सबसे पुराना रिकॉर्ड मात्र 2100 साल पुराना है। ये रिकॉर्ड राजस्थान के चित्तौड़ में मिला था, जिसे हाथीवाड़ा घोसुंडी शिलालेख कहा जाता है, जिससे वैष्णव या भार्गव ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है, जो ब्राह्मण लिपि में लिखा गया था। इसलिए रिकॉर्ड्स के हिसाब से भारत का सबसे पुराना संस्कृत का एविडेंस है, जो हमें ये बताता है कि संस्कृत कितनी पुरानी है। पर दोस्तों, भारत में इससे भी पुराने रिकॉर्ड्स तमिल और पाली भाषा के हैं। सम्राट अशोक के 2300 साल पहले के रिकॉर्ड्स हैं, और तमिल ब्राह्मणी रिकॉर्ड्स 2400 साल पुराने हैं, जो साफ बताते हैं कि उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में पाली प्राकृत और साउथ इंडिया में तमिल भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि तमिल भाषा हड़प्पा सिविलाइजेशन में इस्तेमाल की जाती थी, और भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन भाषा को अभी तक सही ढंग से डिकोड नहीं किया जा पाया है, जिससे ये पता चले कि इंडस वैली में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती थी। वेल दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, संस्कृत कितनी पुरानी है यह अभी तक सही एविडेंस नहीं मिला है, पर एंशियंट लिटरेचर्स हमें ये जरूर बताते हैं, क्योंकि यह संस्कृत साहित्य लिखित नहीं श्रुति साहित्य है। श्रुति यानी सुनने वाली भाषा। एंशियंट पीरियड से ही इस भाषा को शरीर और यूनिवर्स में मौजूद देवताओं के मंत्रों और प्रेयर्स के जरिए इसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पढ़ाया और याद कराया जाता था। हर एक बॉडी पार्ट और एनर्जी को एक देवीय नाम देकर इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया था, जिसे हम गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं। पूरा ऋग्वेद इन्हीं मंत्रों और प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, जिन्हें शुरुआती आर्यों ने वैदिक संस्कृत में लिखा था। इसलिए ऋग्वेद संस्कृत का सबसे पुराना एंशियंट रिकॉर्ड है, जिसे हिस्टोरियंस ने आज से 3500 साल पुराना बताया है। वर्ल्ड लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स, जो पूरी दुनिया की भाषा पर शोध करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वैदिक संस्कृत को प्रोटो इंडो यूरोपियंस लैंग्वेज फैमिली ट्री की मेन ब्रांच बताई है, जिसे इंडो आर्यन नाम दिया है। ये लैंग्वेज ट्री एक्सपर्ट्स ने भाषाओं के जन्म के आधार पर बनाया है, जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया के लैंग्वेज ओरिजिन को एक्सप्लेन करती हैं। जिसकी ब्रांचेस कुछ इस तरह हैं, जिसकी जड़ है प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इस टाइम पर भाषा में शब्द की जगह आवाजों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे एग्जाम्पल के लिए अलग अलग जानवर करते हैं। हर चीज के लिए अलग आवाज होती थी, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना पाते थे। दोस्तों, जिस तरह एवोल्यूशन हुआ था, ठीक वैसे ही भाषा भी ऐसे इवॉल्व होती गई, जिसके बाद ये एंशियंट इंडो ईरानियन भाषा में बदली, और यहाँ से दो शाखाएं अलग होती हैं, ईरानी और वैदिक संस्कृत। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैदिक संस्कृत से ही शास्त्रीय संस्कृत और प्राकृत भाषाएं जैसे पाली, मागधी, अर्धमागधी, शौर सेनी, अभ्रश जैसी भाषाएं बनी, और इन्हीं भाषाओं से आज की प्रेजेंट लैंग्वेजेस बनी। दोस्तों, आज पूरे भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से 6 को ही शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। असल में यह दर्जा उन भाषाओं को ही दिया जाता है जो लगभग 2500 साल पुरानी हो, या इसकी लिपि एंशियंट और यूनिक हो। जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा डिकोड नहीं होती, तब तक यह साहित्यिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।